Hello everyone, welcome back. Starting with my introduction, my name is Vaibhav. I am from Triple IT Sri City. I am a BTech student. I am in my second year and my branch is computer science. तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, जो अपना चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, इसका हम लोग क्या करें, एग्जाम्पलर्स के सॉल्यूशन देख ले, एग्जाम्पलर्स के सॉल्यूशंस क्या होता है. एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं वो तो थोड़े कम लेवल के होते हैं, जो एग्जाम्पलर्स होते हैं उसमें थोड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पलर्स के डेली एक चैप्टर करते हैं हम लोग और उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं. तो आज का जो हमारा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लेक्चर है. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टोटल ऑफ 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लोग अपने 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13. तो कल तक हम लोग क्या किया था, जो अपना एमसीक्यू 1 था और एमसीक्यू 2 ये सब फिनिश हो गए थे. एमसीक्यू 1 एंड एमसीक्यू 2 ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया था. और हम लोगों ने वेरी शॉर्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया था. तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते. तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन से. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिस्टम गोज फ्रॉम पी टू क्यू बाय टू डिफरेंट पार्ट्स इन दी पीवी डायग्राम एज शोन इन फिगर 12.8. तो ये 12.8 अपने गिवन है, तो इसका एक बार हम लोग अपने पास डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये अपने ग्राफ गिवन है, पीवी ग्राफ गिवन है, ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है, सिस्टम गोज फ्रॉम पी टू क्यू. एक सिस्टम है वो, ये पी एक स्टेट है और ये क्यू एक स्टेट है. तो ये पी से क्यू जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, ठीक है. ये दो है, ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है, ठीक है. डिफरेंट पाथ्स के थ्रू जा रहा है. हीट गिवन टू द सिस्टम इन पाथ 1 इज 1000 जूल. तो पाथ 1 में अपने को कितनी हीट देनी पड़ी थी, सो हीट गिवन इन पाथ 1, पाथ 1 कितना है, 1000 जूल. और क्या बोल रहा है, हीट गिवन इन पाथ 2 इज 100 जूल. ये भी क्वेश्चन में अपने को मेंशन है कि हीट गिवन इन पाथ 2 कितना है अपना, 100 जूल. तो अपने को कितनी एनर्जी हम लोग ने पर्टिकुलर पाथ में दी है वो अपने को गिवन है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, व्हाट इज द हीट एक्सचेंज बाय सिस्टम इन पाथ 2. ये अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम अलोंग पाथ 1 इज मोर देन पाथ 2 बाय 100 जूल. मतलब ये हम लोग ने सेकंड वाली कंडीशन गलत लिख दी. ये हीट गिवन इन पाथ 1 इज 1000 जूल और जो अपने को 100 जूल है वो क्या बोल रहा है, वर्क डन by system along path 1 is more than path 2 by 100 joule. मतलब work done in path 1 minus work done in path 2 कितना given है, 100 joule. ये हम लोग को question में given है, ये condition 1 and ये condition 2. तो क्या हो रहा है, what is the heat exchange by the system in path 2, ये हम लोग को question में पूछा हुआ है. तो चलिए solve करते, जो condition given थी हम लोग ने लिख लिया. अब चलते कि जो delta U होगा, डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी. तो ये क्या होता है, डिफरेंट पाथ हो तो भी चलता है, पर अगर से अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर से सेम है तो जो अपना डेल्टा यू होता है वो सेम होता है. तो इस केस में भी वही है कि अपना पी है यहाँ पे और क्यों है, तो दोनों अपना पी से क्यों जा रही है, तो अपने डेल्टा यू तो सेम ही होगी, ठीक है. और अपने को पता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ठीक है. तो हम लोग अर्थ अलग अलग के लिए लिखे, तो ये फर्स्ट वाले प्रोसेस के लिए लिखते हैं, सेकंड वाली कंडीशन सेकंड वाले के लिए भी सेम लिखते हैं, डेल्टा ऑफ यू टू प्लस वर्क डन ऑफ यू टू टू. तो ये हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट लॉ लिख दिया थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है. तो अब जो अपना पहला वाला है, इसका हम लोग को ये डेल्टा क्यू पता है वो कितना है, 1000 जूल, क्वेश्चन में गिवन है अपने को. तो ये हम लोग ने लिख दिया डेल्टा यू वन को, अभी हम यू लिख देते हैं डेल्टा ऑफ यू, और वर्क डन को हम लोग वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन बाय वन. सेम हम लोग सेकंड वाले के लिए लिखते हैं, सेकंड वाले में डेल्टा क्यू तो अपने को पता नहीं है, तो दिस विल ओनली बी डेल्टा टी टू. ये डेल्टा यू टू ये भी डेल्टा यू के बराबर ही हो, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी अभी ऊपर बात करके आते, अपनी स्टेट्स जो है सेम है दो डिफरेंट प्रोसेस के लिए, तो उनका डेल्टा यू सेम होगा, तो ये डेल्टा यू इसमें भी आ जाएगा और इसका वर्क डन होगा वर्क डन ड्यू टू टू. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने को क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी, क्या थी, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू वॉज 100, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है.
जब हम लोग इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1000 माइनस ऑफ क्यू टू इज इक्वल टू ये, और ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू डी वन माइनस डब्ल्यू डी टू, ये कितना है 100, क्या जाएगा 100। तो यहाँ से जो अपना क्यू टू आएगा जो अपने क्वेश्चन में निकालने बोला है, तो यहाँ से क्यू टू आ जाएगा 1000 माइनस 100, तो अपना जो क्यू टू आ गया वो हो गया अपना 900 जूल्स, यूनिट जरूरी है। तो अपने जो क्यू टू आया सॉल्व करने पे दैट इज 900 जूल, और वही अपने से क्वेश्चन में पूछा था कि हीट एक्सचेंज कितनी होगी। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस पी टू क्यू था, इसमें एक प्रोसेस ऐसे जा रही थी फर्स्ट वाली, सेकंड वाली ऐसे जा रही थी, तो हम लोग को पता था कि जब स्टेट सेम होती तो डेल्टा यू सेम होता है, तो हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, सारी वैल्यूज पुट करी और वहां से अपना क्यू टू आ गया, क्यू टू कितना है 900 जूल। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मतलब था नहीं दिमाग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इफ अ रेफ्रिजरेटर्स डोर इज कैप्ट ओपन विल द रूम बिकम कूल और हॉट, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग फिर से समझते हैं, एक रेफ्रिजरेटर है अपने घर में जो होता है जनरली, ठीक है, ये पहले मतलब ऑन है और हम लोग ने क्या किया इसका जो डोर है वो क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि रूम विल बिकम कूल और हॉट, तो अर्थ हम लोग जनरली ऐसा सोचे कि अर्थ मतलब हमारे पास फ्रिज है, हमने उसका डोर खोल दिया, क्या होता है अर्थ हम लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग से सोचे तो हमको लगेगा कि रूम तो एकदम ठंडा हो जाएगा क्योंकि फ्रिज का काम क्या ठंडा करने का, और अर्थ हम उसका दरवाजा खोल दे तो हमारा पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। बट ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ये हो जाएगा गलत, क्यों, इसका रीजन क्या होगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ फिर से क्या होगा। ओके सो अब क्या होगा, अपने रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट इंजन जो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, और अपना फ्रिज का काम क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसको मतलब अपने फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर उसको कम रखने का काम होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो अपना ये है हीट इंजन, ठीक है, अगर से हम लोग इसका डोर कर देंगे ओपन, रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, अपनी जो हीट है हीट विल ट्रांसफर, सॉरी रेफ्रिजरेटर विल ट्रांसफर, रेटर विल ट्रांसफर मोर हीट इनसाइड द रूम देन अर्लियर, ठीक है। तो अपने को पता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये जो फ्रिज का काम क्या होता है, ये बाहर जो है गर्मी फेंकता है और अंदर का टेम्परेचर ठंडा रखता है। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो चला रहे और ये अंदर का टेम्परेचर ठंडा किसके कारण हो रहा है, बाहर के टेम्परेचर के कारण। जो बाहर का टेम्परेचर है, ये जो इंजन है ये क्या करेगा, बाहर का टेम्परेचर धीरे 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 करके बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, और इसके कारण जो अपना कूल होने का जो रेट है वो हीट होने के रेट से कम है, ठीक है। तो कूल वो धीरे धीरे हो रहा है, हीट बहुत तेज तेज हो रहा है, क्यों, क्योंकि अपना हीट इंजन बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसके कारण जो अपना रूम होगा वो उसका टेम्परेचर टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो ये बात समझ में आती है कि अपने रूम का टेम्परेचर, फ्रिज का दरवाजा खुला रखा तो फ्रिज की जो ठंडी हवा है वो तो बाहर आएगी, बट वो जो फ्रिज के अंदर जो हीट इंजन है उसके कारण बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण जो अपना रूम होगा वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये दो बातें थी कि एक ठंडा कर रहा है, गर्म कर रहा है, गर्म ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अपना जो होगा रूम जो होगा बिल्कुल गर्म होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रूम बिकम हॉट। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस विदाउट एडिंग हीट टू इट, एक्सप्लेन। तो हम लोग चलते हैं अब यहां पर अपने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग ने क्या किया, जो अपना टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज, मतलब बाहर से कोई हीट नहीं दिया, तो बोल रहा है इज इट पॉसिबल कि जो अपना गैस का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाए। तो इस इक्वेशन को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम लोग ने डेल्टा क्यू नहीं दिया, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो आ जाएगा अपना डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है।
ये अपनी इक्वेशन यहाँ से आ गई, क्योंकि हम लोग डेल्टा क्यू मतलब बाहर से जो हीट दे रहे हैं वो नहीं दे रहे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसने बोला कि बाहर से विदाउट एडिंग हीट, तो डेल्टा क्यू तो अपना हो गया जीरो। अब बचा क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या है, अपना इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अर्थ है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यहाँ पे लिखा ना इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, अपने को क्या करना है टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू वर्क ऑन द सिस्टम। तो बोल रहा है इन दिस प्रोसेस अर्थ है हम लोग किसी गैस को वर्क डन करें मतलब कंप्रेस, ठीक है, गैस पे अपने को वर्क करना है तो मतलब उस क्या करेंगे हम लोग कंप्रेशन, अर्थ हम गैस को कंप्रेस करें तो ऑटोमेटिकली उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अपना ये क्या है डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, अगर हम गैस पर वर्क करेंगे तो अपना टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग ये माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये माइनस के कारण क्या होगा डेल्टा यू इंक्रीज होगा, तो मतलब टेम्परेचर अपना ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। सिंपल, काफी इजी सा फंडा है। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, तो अपने डेल्टा क्यू क्या चाहिए था जीरो, तो हम लोग ने सिंपल क्या लिखा फिर अपना डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, और जब हम लोग ने वो इक्वेशन लिखा तो हम लोग को क्लियर हो गया कि अर्थ अपने को टेम्परेचर बढ़ाना है तो अपने को वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या करेंगे कंप्रेस ऑफ द गैस, तो यहां से अपना डेल्टा यू अपने आप इंक्रीज कर जाएगा, तो अपना सिस्टम का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व होता है, इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग एक्सप्लेन, बोल रहा है एयर प्रेशर, सॉरी एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीज ड्यूरिंग ड्राइविंग, ऐसा क्यों होता है ये बोल रहा है एक्सप्लेन करो। तो इसकी बात भी ऑब्वियस है कि जब अपनी कार चल रही है, ठीक है, तो उसका टायर तो मूव कर रहा है बट उसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, तो इसका एयर प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है ये वही पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो ये फेनोमेनन को। तो हम लोग इसका देखें, तो जब अपनी कार स्टैटिक है तो बिल्कुल वो खड़ी हुई है, वो कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, ऐसे ही पड़ी हुई है अपनी कार, लेकिन जैसे हमने उसको एक्सीलरेटर दिया स्टार्ट किया हम लोग ने कार को, तो उसने क्या किया उसके टायर क्या किए मूव किए आगे की साइड मूव होंगे, तो जब टायर स्पीड से चल रहे हैं तो उसमें क्या होगी एक टेम्परेचर इंक्रीज होगा टायर्स का, क्योंकि हम लोग ने देखा कि टायर्स के मूवमेंट के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण क्या होगी हीट जनरेट होगी, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट विल जनरेट, ठीक है। इतनी बात समझ आती है कि कार जब खड़ी थी तब खड़ी थी, तब कुछ भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं था, तो उसका मतलब कुछ नहीं था, ठीक है, जैसे कार चलना चालू हुई तो ड्यू टू फ्रिक्शन अपनी जो हीट इन टायर्स, ठीक है, टायर्स में क्या हुआ हीट पैदा हुई, ठीक है, हीट जनरेटेड। अब क्या बात हुई हीट के जनरेट होने से क्या हुआ अपना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और अपने को पता है अपना सबसे बेसिक लॉ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो यहाँ पे एनआर तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि टायर के अंदर हवा जो है अपनी कॉन्स्टेंट है, और जो वॉल्यूम है मतलब गाड़ी का जो टायर का अंदर का जो वॉल्यूम है जिसमें हवा भरा रहता है वो भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि आप लोग टायर का साइज बड़ा छोटा तो नहीं कर रहे, तो यहां से अपनी कौन सी वाली इक्वेशन आई दैट पी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टी, तो अर्थ हम लोग इसको प्रोपोर्शनल लिखे तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो अपने पास ये वाला रिलेशन आया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो हम लोग ने पहले कार क्या हुई थी रुकी हुई थी, जैसे हम लोगों ने कार स्टार्ट करी तो टेम्परेचर हुआ इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर को इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, यार से गाड़ी के चलने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अपना प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि एयर प्रेशर इन कार इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग, इट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमारा 16 क्वेश्चन भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने जो वेरी शॉर्ट है इसको फिनिश कर दिया, तो वेरी शॉर्ट में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे पर मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है सारे क्वेश्चंस कि किस टाइप से क्या हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये फेनोमेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आपको ऐसे मतलब अलग अलग पार्ट्स में कर रहे हैं एयर प्रेशर इन कार
टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग, ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है ऐसे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेरी शॉर्ट फिनिश होता है, चले अब शॉर्ट आंसर पे चलते हैं। ओके तो शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ओके हेडिंग डाल लेते 17 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंसीडर अ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन 500 केल्विन एंड 300 केल्विन, ठीक है। तो अपने पास कार्नोट साइकिल है, जो पहला टेम्परेचर 500 केल्विन, T2 क्या है 300 केल्विन, और क्या हो रहा है प्रोड्यूसिंग 1 kJ ऑफ मैकेनिकल वर्क पर साइकिल, ये बात ध्यान देने वाली है। तो इसको भी लिख लेते 1000, इसको हम लोग सीधे सीधे जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल, ये भी गिवन है पर साइकिल, ठीक है। तो ये अपने को तीन चीज गिवन है, फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वियर, बोल रहा है कि कितनी हीट हम लोग ने रिजर्वियर को ट्रांसफर करी इंजन को, ठीक है। तो अपने को कार्नोट इंजन का पता है कि एक टेम्परेचर होता है, ये अपना कार्नोट इंजन है, इसमें एक टेम्परेचर हम लोग देते हैं, एक टेम्परेचर इसे बाहर आता है, इसको ऊपर हम लोग क्या करते हैं कुछ वर्क डन करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो है बात कर रहा है कि हम लोग ने कितना इसको हीट एनर्जी दिया, ठीक है। तो अपने को पता है इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है कार्नोट इंजन की, दैट इज उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है 1 - T2/T1, ये होती है अपनी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना T2 होएगा वो कितना होएगा 300 और T1 कितना हो जाएगा 500। तो यहां से जो अपनी एफिशिएंसी आएगी म्यू इज इक्वल टू 1 - 300/500, ठीक है। ये कितना आएगा अपना, दैट इज 2/ हम लोग इसको माइनस जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2/5, म्यू आ गया अपना 2/5, इजी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, बस एफिशिएंसी कैलकुलेट करी। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग इसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अब म्यू क्या होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होती है कि म्यू इज इक्वल्स टू आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, यही तो होती है एफिशिएंसी। हम लोग ऐसे डिफेंड करते कि कितना अपना आउटपुट मिला और कितना हम लोगों ने उसमें इनपुट दिया, तो वही होता है अपनी एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमने को पता है कि अपना आउटपुट वर्क कितना है 1 kJ पर साइकिल, ठीक है। तो आउटपुट वर्क में क्या रखेंगे हम लोग 1000 जूल, इनपुट वर्क अपने को कैलकुलेट करना है, और जो अपना म्यू था वो हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 2/5। तो यहां से जो अपना इनपुट वर्क आया कितना आएगा, इनपुट वर्क इज इक्वल टू 1000 × 5/2, यहां से आ जाएगा ये 2500 जूल। तो हम लोग ने इसके ऊपर कितना जो वर्क दिया है, मतलब एनर्जी दिया है, दैट इज 2500 जूल, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में दी है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय रिजर्वियर इज 2500 जूल, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया 2500। तो ये शॉर्ट आंसर इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, काफी इजी था। बस हम लोग को एफिशिएंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एफिशिएंसी इज आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, और एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। तो हम लोग ने दोनों फॉर्मूले यूज किए और अपना इनपुट वर्क आ गया इजीली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg वॉन्ट्स टू लूज 5 kg बाय गोइंग अप एंड डाउन 10 meter हाई स्टेयर्स। तो अपनी स्टेयर्स है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है 10 meters, ठीक है, और अपने आदमी का मास कितना है 60 kg, और उसको कितना लूज करना है 5 kg लूज करना है, ठीक है। मतलब उसका फाइनल अपने को वेट कितना चाहिए 55 kg। इतने अपने को अभी यहां तक की बात समझ आई, अज्यूम ही बर्न्स ट्वाइस एज मच फैट वाइल गोइंग अप देन कमिंग डाउन। तो ये बोला कि ऊपर जाने में जो है 2x फैट बर्न करता है, अगर से वो नीचे आने में x बर्न करता है, तो मतलब नीचे आने में कम फैट बर्न होता है और ऊपर जाने में ज्यादा फैट बर्न होता है, ये अपने को यहाँ पे गिवन है। इफ 1 kg ऑफ फैट इज बर्न ऑन एक्सपेंडिंग 7000 kcal, तो यहाँ पे हम लोग को एनर्जी गिवन है, अगर से वो 7000 kcal, किलो में गिवन है, किलो कैलोरीज
बर्न करता है तो उसका कितना 1 kg फैट रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7000 kcal अर्थ से वो बर्न करता है तो उसका वेट कितना 1 kg रिड्यूस होगा। इतने अपने क्वेश्चन में गिवन है, तो बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही गो अप एंड डाउन टू रिड्यूस हिज वेट बाय 5 kg। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है देखने में, मतलब एकदम हम लोग बार बार यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आप क्या बोल रहे हैं तो आ जाइए इधर, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ऊपर जाने के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जाने के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमको नीचे जाने के लिए एनर्जी पता चलेगी। तो ऊपर जाने के लिए अपने को कितना 10 meters ऊपर जाना है, तो यहाँ पे क्या होगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, एच पता है विच इज 10, मास ऑफ आदमी पता है कितना है 60, और जी अपने को 10 पता है। तो जब सारे से हम पुट करेंगे तो दिस विल बी 60 × 10 × 10, ये हो जाएगी अपनी 6000 joule। तो इतनी एनर्जी अपने को कब लगती है, हमको ऊपर जाने में, ठीक है, गोइंग अपवर्ड। और क्या बोला है, नीचे आने में हाफ एनर्जी लगती है, अपने को क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन थी ना, ऊपर जाने में जितनी लगती है उसकी हाफ। तो एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर कमिंग डाउनवर्ड्स जो कितना हो जाएगा 3000 joule, ऊपर जाने में 6000 joule लग रही है और नीचे आने में 3000 joule लग रही है। अब चलते हैं टोटल, मतलब एक बार ऊपर चढ़ने में और एक बार नीचे आने में कितनी हो जाएगी 9000, क्योंकि ऊपर जाने में 6000 और नीचे जाने में 3000। तो टोटल एनर्जी अपने को फॉर वन राउंड ये हुई अपनी 9000 joule में, ठीक है। अभी हम लोग जूल में कैलकुलेट किया है, अब चलते हैं हम लोग, बोल रहा है कि 1 kg को कम करने में कितना लग रहा है अपने को 7000 kcal, मतलब 10^3 calories, ठीक है। तो ये जूल को हम लोग काय में कैलकुलेट करेंगे, काय में ट्रांसफर करेंगे अपने कैलरी में। तो 9000 जूल को जब हम कैलरी में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड बाय 4.2 करेंगे, ठीक है। इतनी कैलरी लग रही है ऊपर और नीचे जाने में। तो अब सिंपल, अब बेसिक सा अपने पास बचा हुआ है कि 1 kg में इतना लगता है, तो 5 kg में कितना लगेगा अपने कैलरी बर्न करने के लिए, तो वो आएगा 7000 × 5 kcal अपने को एनर्जी बर्न करनी है 5 kg लूज करने के लिए, हो जाएगा 35000 kcal अपने को बर्न करनी, ठीक है। अब सिंपल अपना मैथमेटिक्स का काम बच गया कि एक बार ऊपर जाने में अपने को कितना लगता है 9000 × 4.2 और टोटल अपने को कितनी बर्न करनी है 35000, ठीक है। बस इतना सा था क्वेश्चन, अब चलिए। तो ये किलो कैलोरी में था तो 10^3, तो आप लोग यहाँ से अब एक्स कैलकुलेट करना, आप काफी इजी क्वेश्चन बच गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे एक्स इधर लिखेंगे और फिर बाकी सब ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 35000 × 1000 / 9000 × 4.2। तो यहाँ से 30 से 30 कैंसिल, ये आ जाएगा 35000 × 4.2/9, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपनी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16333.33 calorie, तो अर्थ हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि जो सीढ़ियां इतने बार थोड़ी चढ़ सकते हैं, तो इसको राउंड करेंगे तो ये हो जाएगा 16334। तो अपने जो आदमी है 60 kg का आदमी, उसको 16334 times ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा ताकि उसका 5 kg जो वेट है वो कम हो जाए। तो ये नंबर काफी बड़ा है, अर्थ आपको लूज करना 5 kg, तो आप लोग ये नंबर को रेफर कर सकते हैं, तो 16334 times, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब एक बार आप क्वेश्चन समझ आ गए तो इजी क्वेश्चन था। बस इसमें क्या है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना था कि 1 kg बर्न करने में इतना लग रहा है तो 5 kg के लिए कितना लगेगा, और फिर हम लोग को एक बार ऊपर जाने में भी कितना एनर्जी लूज हो रहा वो भी कैलकुलेट करना पड़ा। तो इजी क्वेश्चन था, तो हम लोग ने सॉल्व किया तो अपना आंसर आ गया 16334। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे।
ठीक है, तो 19th क्वेश्चन, ओके, तो 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर अ साइकिल टायर बीइंग फिल्ड विद एयर बाय पंप, एक साइकिल टायर है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पंप से एयर फिल कर रहे हैं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ टायर एंड ईच स्ट्रोक ऑफ द पंप डेल्टा वी ऑफ एयर इज ट्रांसफर टू द ट्यूब एडियाबेटिकली। तो क्या कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है तीन लाइन हम लोग पहले समझते हैं कि अपने पास एक साइकिल का टायर है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, उसके अंदर हवा भरना है, तो इसका जो वॉल्यूम अपने को गिवन है दैट इज वी, और हम लोग क्या करें, एक स्ट्रोक में कितना हवा भर रहे हैं, डेल्टा वी, एक स्ट्रोक में इन वन स्ट्रोक वी आर फिलिंग डेल्टा वी एयर, ठीक है, तो ये अपने दो चीज पता चल गई, टायर का वॉल्यूम वी है और एक स्ट्रोक में डेल्टा वी एयर हम लोग फिल कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है वो कैसी हो रही है, एडियाबेटिकली, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात थी, जो अपनी प्रोसेस हो रही है वो हो रही है एडियाबेटिकली, ठीक है, अपनी प्रोसेस एडियाबेटिकली हो रही है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है बाहर, ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द प्रेशर इन द ट्यूब इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2, तो बोल रहा है अर्थ प्रेशर P1 से P2 इंक्रीज कर गया, तो बोल रहा है पता करो कि वर्क कितना करना पड़ा। तो चलिए अब अप्रोच करते हैं, तो अपने को सबसे पहली बात देखनी थी कि यहाँ पे जो है एडियाबेटिकली लिखा है, तो सबसे पहले तो एडियाबेटिकली के लिए अपनी क्या कंडीशन होती है, दैट इज P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये अपनी एडियाबेटिक कंडीशन होती है। तो ये बोला कि अपने को प्रेशर कहां से ले जाना, P1 से P2, तो ये तो P1 P2 ही रहेगा, ठीक है, P1 और P2, और जो अपना वॉल्यूम होगा दैट विल बी V प्लस DV की पावर गामा, ये हो गया अपना इनिशियल वाला, और थोड़ी देर में जो अपना प्रेशर हो जाएगा दैट विल बी P प्लस DP इंटू V की पावर गामा, ठीक है, ये कब हो रहा है, जब हम लोग ने थोड़ा सा स्ट्रोक हवा का डाला तो उसके बाद का ये प्रेशर और वॉल्यूम का ये रिलेशन आ गया, ठीक है, तो अब जब इसको थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, P V टू द पावर ऑफ गामा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस DV बाई V की पावर गामा, ठीक है, ये अपने पास रिलेशन आया, तो इसके बाद जो हैगा अपना पी विल बी पी प्लस DP और जो ये वाला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा वी की पावर गामा, ठीक है, और इसके बाद जो हो जाएगा यहां से हम लोग क्या लेंगे पी कॉमन, पी हो जाएगा 1 प्लस DV अपॉन V की पावर गामा, और इस साइड पे क्या बचेगा, ये वाला टर्म पी प्लस DP, तो यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स चल रही, कुछ नहीं, बस हम लोगों ने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया कि हम लोग को एडियाबेटिक गिवन है, तो एडियाबेटिक कंडीशन क्या होती है, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, तो हम लोग ने अब क्या लिखा, ये वाला कंडीशन, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन के बाद क्या किया हम लोगों ने, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसफर किया तो अपने पास ये आ गया, दिस इज अपना LHS और दिस इज अपना RHS, और फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सॉल्व किया तो अपने पास ये आ गया एक फाइनल इक्वेशन, ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन आ गई है, अब इसको फाइनल इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, चेक करना है, फाइनल इक्वेशन क्या है, दिस पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस DV बाय V की पावर गामा, ठीक है, और इज इक्वल टू में पी प्लस डीपी गिवन है, अब हम लोग को क्या देखना है, नेगलेक्टिंग दी हायर पावर्स ऑफ, ओके, हायर पावर क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, अपना जो डीवी है दिस डीवी इज वेरी वेरी स्मॉल देन वी, तो हम लोग क्या करेंगे, हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, हायर पावर्स मतलब ये गामा जो है अपना जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपनी जो नई इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी P1 प्लस गामा DV बाय V, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है कि अर्थ हायर पावर होती है और अपना डीवी बाय वी काफी ज्यादा वो होता है छोटा, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस DP बाय P, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई है, अब क्या करेंगे, तो P को हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल, इधर से एक P और ये P को कर दिया कैंसिल, तो आपने पास क्या बताया 1 DV बाय V इज इक्वल टू 1 प्लस DP बाय P, तो यहां से 1 से 1 कैंसिल होता है, फिर आपने पास जो बचा दैट इज DV इज इक्वल टू, सारी चीजें हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो DV इज इक्वल टू V DP अपॉन गामा, तो अपनी जो आ गई फाइनल इक्वेशन, जब हम लोग इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते गए, अब
बारी क्या आती है अपने को क्या कैलकुलेट करना है, फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द प्रेशर इन ट्यूब इज इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना था, वर्क डन, तो अपने को पता है कि वर्क डन क्या होता है, पी डॉट डीवी का इंटीग्रेशन इज वर्क डन। तो सो अपने पास जो आएगा वर्क डन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी डीपी बाय गामा। ये हुआ ना, ये हम लोगों ने डीवी की जगह ये डाल दिया, तो पी से हो जाएगा अपना पी कैंसिल, तो अपने पास ये बचेगा और इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन। तो जब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो अपने जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा वी अपॉन गामा और ये जगह डीपी मतलब पी टू माइनस पी वन, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, पी टू से पी वन तक। तो जो अपना फाइनल वर्क डन आया वो क्या आ गया अपना वी बाय गामा पी टू माइनस पी वन, तो ये आ गया अपना फाइनल वाला वर्क डन। तो ये काफी लेंथी और मैथमेटिकल क्वेश्चन था हम लोग को, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह देखना था। वर्क डन क्या होता है अपने को पता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी। तो हम लोग ने पूरी इक्वेशन से डीवी कैलकुलेट किया और यहाँ पे डायरेक्टली रख दिया, तो पी से पी हो गया कैंसिल, तो अपना वर्क डन आ गया दिस वी बाय गामा पी टू माइनस पी वन। तो यहाँ पे अपना 19th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन भी था और मैथमेटिकल क्वेश्चन भी था, मतलब फिजिक्स बहुत ही कम यूज हुई, पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें टोटल ऑफ कितने 27 क्वेश्चंस है, तो देखते हैं आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो रहा है, इन अ रेफ्रिजरेटर वन रिमूव्स हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर एंड डिपॉजिट टू द सराउंडिंग्स एट अ हाई टेम्परेचर। इन दिस प्रोसेस मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन विच इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये अपने को रेफ्रिजरेटर का वर्किंग समझा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वन रिमूव्स हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर एंड डिपॉजिट टू द सराउंडिंग। तो अपनी जो अंदर ये जो यहाँ पे मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर, उसका काम क्या होता है, जो अंदर फ्रिज के अंदर क्या होता है, अंदर की हीट बाहर फेंकने का काम होता है, ठीक है। इसी अंदर की हीट जब बाहर आ गई तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, और बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो यही अपना फ्रिज का वर्किंग होता है कि वो अंदर का जो हीट एनर्जी है वो बाहर फेंकता है, तो उसके कारण अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है और बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये काम किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। तो ये अपने को वर्किंग समझा दिया। अब क्या बोल रहा है, इफ द मोटर इज ऑफ 1 kW पावर, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना है, पावर इज इक्वल टू 1 kW पर पावर, ठीक है। इतना आपने मोटर का पावर है, द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम -3 degree Celsius टू 27 degree Celsius। जो अपनी हीट हो रही है, मतलब अंदर का टेम्परेचर कितना -3 degree Celsius, बाहर का टेम्परेचर कितना 27 degree, ठीक है। और क्या हो रहा है, फाइंड द हीट टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड अस्यूमिंग इट्स एफिशिएंसी इज 50% ऑफ अ परफेक्ट इंजन। तो अपने को यहाँ पे क्या गिवन है, इफिशियंसी भी गिवन है, दैट इज 50%, दैट इज 1/2, और ये क्या है 0.5, ये क्या होता है अपनी इफिशियंसी इज म्यू। तो क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से समझते हैं कि अपना जो फ्रिज है उसकी सबसे पहले अपने को वर्किंग समझाया कि वो अंदर का टेम्परेचर बाहर लाके फेंकता है। फिर क्या हो रहा है, जो मोटर चल रही है उसको चाहिए पावर कितना 1 kW का, और जो अंदर का टेम्परेचर वो 3 degree Celsius और बाहर का टेम्परेचर 27 degree Celsius। अभी ये क्या हो रहा है, हीट टेकन आउट के लिए अपनी जो एफिशिएंसी है दैट इज 50%। तो अपने को आप कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द हीट टेकन आउट पर सेकंड, पर सेकंड में कितनी हीट बाहर आ रही है अपने को वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स क्या होगा, जहां से हीट आ रही है दैट इज -3 degree Celsius, क्योंकि अंदर से हीट ले जाके बाहर फेंक रहे ना, तो T1 हो जाएगा अपना -3 degree Celsius। तो इसको हम लोग जब केल्विन में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 273 - 3 केल्विन, तो ये हो जाएगा 270 केल्विन, ये अपना T1 हो गया, ठीक है। अब बारी है T2 की, T2 कितना हो जाएगा 27 degree Celsius, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे केल्विन में ट्रांसफर करेंगे, तो 273 + 27, तो ये हो जाएगा अपना 300 केल्विन। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी टेम्परेचर को बस केल्विन में ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है एफिशिएंसी की, तो ओके, तो हम लोग न्यू पेज पे चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं
ओके सो हम बारी आई कैसे इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है म्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - T2 / T1 ठीक है। तो अपने पास अभी अभी हम लोगों ने T2 और T1 कैलकुलेट किया है केल्विन में, तो जाएगा 1 - 270 / 300 तो ये हो जाएगा अपना 30/300 एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1/10 तो अपना जो म्यू आया दैट इज 1/10 1/10 मतलब 0.1 इफिशियंसी आ गई अपने पास 10%। बट अपने क्या गिवन है इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है 50% इक्वेशन में गिवन तो दैट इज इफिशियंसी इज 50% तो 50% ऑफ 1/10 इज परफेक्ट इंजन का 50% ना, तो 50% ऑफ 1/10 मतलब म्यू का 50% ये हो जाएगा अपना 0.05। ये कैसे आया हम लोग क्या करेंगे 50/100 / 1/10 तो यहां से आ जाएगा अपना 0.05 ये हो जाएगा अपना इफिशियंसी ठीक है। तो यहां से अपना ये आ गया 0.05। नाउ हम लोग क्या करेंगे कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज बीटा, वो कितना होता है 1 - this efficiency - sorry divided by n तो ये होता है अपने पास अभी अभी हम लोग ने ये कैलकुलेट किया दैट इज 0.05 ये आ जाएगा 1 - 0.05 / 0.05 तो ये आ जाएगा 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे दैट इज 0.95 अपॉन में 0.05 तो ये आ जाएगा अपना 19 तो यहां से अपने बीटा की जो वैल्यू आई वो आई अपनी 19। तो जो बीटा होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है कि बीटा क्या डिनोट करता है दिस मींस 19% बीटा की वैल्यू 19 है ना तो 19% ऑफ द वर्क डन बाय मोटर इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो बीटा जब हमने कैलकुलेट किया 19% मतलब 19% ऑफ द वर्क डन बाय द मोटर इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन में देखते क्या हो रहा है फाइंड द हीट टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड, तो ये पर सेकेंड की बात कर रहा है। तो अब जो अपने को यहाँ पे गिवन था क्या था 1 kW पावर, तो पावर कितनी थी 1 kW मतलब 1000 W ऑफ पावर ठीक है। इसका 19% मतलब मल्टीप्लाई बाय 90 ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, हो जाएगा अपना 19 × 1000 / s दिया जाएगा अपना 19 kJ/s 19 तो आपने जो कैलकुलेट करना था वो आ गया कि हीट टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड इज 19 kJ/s यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व होता है। तो ये मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस हम लोग को कोफिशिएंट्स के बारे में पता रहना चाहिए जैसे बीटा हो गया ये म्यू हो गया ये सारे कोफिशिएंट के बारे में और ये क्या डिनोट करते हैं इस बारे में भी, नहीं तो इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 पे। ओके तो ये अपना वेरी शॉर्ट का 21st क्वेश्चन है ठीक है। 21 में क्या लिखा है इफ द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5 क्या हो रहा है कोफिशियंट ऑफ रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस इज 5 तो कोफिशियंट अपने को गिवन है दैट इज 5 ठीक है। और क्या हो रहा है ऑपरेट्स एट द रूम टेम्परेचर 27°C और रूम टेम्परेचर भी गिवन है दैट इज 27°C ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर तो ये सिमिलरली पिछला वाले क्वेश्चन जैसे ही इसमें भी रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है तो बोल रहा है रूम टेम्परेचर इज 27°C और अपने को कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया दैट इज 5 और बोल रहा है कि अंदर का टेम्परेचर फाइंड करो। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही है तो एक बार जो बाहर का टेम्परेचर उसको हम लोग क्या कर लेंगे केल्विन में ट्रांसफर तो जब इस केल्विन में लिखेंगे दिस विल बी 273 + 27 तो 300 K ठीक है। तो ये अपने बाहर का टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर दैट इज 300 K। अब बारी आती है कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं वो गिवन कितना है अपने पास 5 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज T2 / T1 - T2 ये होता है अपना बीटा।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा अपना 5 इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। तो अपने पास जो बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब टी वन अपने पास है, तो हम लोग टी वन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज 5 इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन 300 माइनस ऑफ टी टू। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब टी टू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस ऑफ टी टू इज इक्वल टू टी टू, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस ऑफ 5 टी टू इज इक्वल टू टी टू। तो यहां से आ जाएगा 6 टी टू इज 1500, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब सिंपल यहां से हम लोग को टी टू कैलकुलेट करना है, तो ये अपना टी टू हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 6, तो जब हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 750 और ये आएगा 3 टाइम्स दैट इज 250। तो अब जरा टी टू आया दैट इज 250 केल्विन, और अपने को क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यही कैलकुलेट करना था कि अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो अंदर का टेम्परेचर कितना था टी टू, वो आया अपना 250 केल्विन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 250 माइनस ऑफ 273, ये आ जाएगा अपना डिग्री सेल्सियस में, तो ये आ जाएगा अपना दैट इज माइनस ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर का जो टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और अंदर का जो टेम्परेचर वो आ जाएगा अपना माइनस ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्वेश्चन में हमने पूछा था, तो अपना अंदर का टेम्परेचर आएगा 23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अपना 21st क्वेश्चन भी होता है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो काफी क्वेश्चन था जो 21 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सर्टेन गैस इज T1 V1 एंड T1, ठीक है। तो कोई गैस है उसके इनिशियल स्टेट क्या है, T1 V1 एंड T1, मतलब वो गैस का पहले प्रेशर था P1, उसका वॉल्यूम था V1 और उसका टेम्परेचर था T1। फिर क्या हुआ, इफ अंडर गोस एक्सपांशन टिल द वॉल्यूम, तो पहले P1 V1 T1 था, फिर अगर उन्होंने उसको एक्सपांड किया तो उसका वॉल्यूम हो गया फाइनल वाला दैट इज Vf, ठीक है। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू केसेस, तो दो केसेस गिवन है, पहला क्या है, द एक्सपांशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, द एक्सपांशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, एक में जो अपना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और दूसरे वाले में क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अपने पास दो क्वेश्चन है, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और एक में प्रेशर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। वो रहा है प्लॉट द पीवी डायग्राम फॉर ईच केस इन विच ऑफ द टू केसेस इज वर्क डन बाय द गैस वो। तो हम लोग को क्या करना है, इस दोनों केस में अपने को पीवी ग्राफ करना है और बोलना है कि किस केस में अपना वर्क डन ज्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पार्ट वन, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब अब हम लोग क्या लिखेंगे, अपना गैस वाला इक्वेशन पीवी इज़ इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, तो अपने जो आएगा ये आएगा पीवी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब पी इनिशियल, वी इनिशियल इज़ इक्वल टू पी फाइनल और वी फाइनल, तो अपना जो पहले था वी आई था और बाद में वी एफ हो गया, तो ये हो गया अपना वॉल्यूम, और प्रेशर जो था पहले तो पी आई था, ठीक है, और जो फाइनल प्रेशर है वो अपना पी एफ है, ठीक है। ये आ गया अपने पहले वाले केस के लिए, ठीक है। अब चलते हैं बी वाले केस के लिए, तो बी वाले केस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इस केस में क्या, प्रेशर कांस्टेंट। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपनी वाली इक्वेशन लिखेंगे पीवी इज़ इक्वल टू एनआरटी वाली, ठीक है। तो जब हम पीवी इज़ इक्वल टू एनआरटी लिखेंगे, पीवी इज़ इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ पे क्या, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये अपना आ जाएगा V1 by T1 is equal to V2 by T2। तो अपने को पता है कि पहले V इनिशियल था और फिर फाइनल में VF हो गया, और टेम्परेचर पहले कितना था T1 था, T इनिशियल, बाद में कितना हो गया T2। तो बस अब क्या बारी आई, अपने को करना है ग्राफ प्लॉट। तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस साइड कर लेते हैं ग्राफ, अपने को पीवी ग्राफ प्लॉट करना है, तो पी और ये हो गया वी। तो पहले वाले का जब हम इक्वेशन देखेंगे तो आएगा ये अपना P1 V1 is equal to P2 V2, ये कांस्टेंट रखना है, तो अपना जो ग्राफ आ जाएगा वो आ जाएगा ऐसा, ठीक है।
यहाँ पे होगा पी इनिशियल, वी इनिशियल और टी इनिशियल, अपनी क्या है पहली वाली स्टेट है इनिशियल वाली। इस केस में पहली वाली क्या हो जाएगी, फाइनल वाली क्या हो जाएगी, प्रेशर क्या होगा पी एफ, वॉल्यूम वी एफ और टेम्परेचर अपना सेम रहेगा, है ना। तो ये अपना हो गया पहले वाले केस के लिए, ए वाले केस के लिए। और बी वाले केस के लिए क्या होगा, अपने को क्या रखना है प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगी ऐसी एक खड़ी लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना प्रेशर पी इनिशियली होगा, वॉल्यूम विल बी वी फाइनल और टेम्परेचर विल बी टी फाइनल। तो अपना जो है दोनों केस के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब क्या पूछा इसे सेकंड में वाले में, सेकंड क्वेश्चन में कि वर्क डन बाय द गैस किसमें ज्यादा होगा, तो पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, ठीक है। ये थ्योरी से हम लोग को पता है कि पीवी ग्राफ में जिसका भी एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो पहला वाला जो ए वाला पार्ट है उसके अंडर में इतना एरिया है, ठीक है। पर ये जो अपना बी वाला है इसके अंडर में इतना पूरा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्लियरली पता चल गया कि जो है वर्क डन केस बी इज मोर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा था कि किसमें गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी वाला। और हम लोग को ग्राफ प्लॉट करने वाला था, तो ये रहा अपना ग्राफ। तो ग्राफ हम लोग फिर से एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे पी है और यहाँ पे बी है। तो ये अपना हो गया बी वाला, वही हो गया अपना ए वाला, ठीक है। तो ये अपना था पी इनिशियल, टी इनिशियल, यहाँ पे हो जाएगा अपना पी इनिशियल फाइनल और यहाँ पे हो जाएगा टी फाइनल। और इस केस में क्या होगा, पी फाइनल, वी फाइनल और टी इनिशियल, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 22 भी होता है। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर जो है फिनिश होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स पे। तो लॉन्ग आंसर्स पे हमारे पास टोटल ऑफ कितने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, मतलब काफी सारे क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, ए बी सी डी। तो इसमें मेन तो कितने, 5 ही क्वेश्चन है, पर अगर हम लोग इसको अंदर में जाके डीप में देखें तो काफी सारे क्वेश्चन है। तो लॉन्ग आंसर स्टार्ट करते हैं, होपफुली एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, टाइम बचा हुआ है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो 23 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंसिडर अ पीवी ग्राफ इन विच पाथ फॉलोड बाय वन मोल ऑफ परफेक्ट गैस इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज शोन, जिसमें मोल ऑफ गैस, ठीक है, कंटेनर में है जो अपनी गैस है, ठीक है। तो ये अपने को क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है, ठीक है। तो अपने पास ये ग्राफ भी है, थोड़ा सा ग्राफ का एनालिसिस कर लेते हैं, ग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना पी हो गया, ये भी हो गया। तो ग्राफ में क्या है, ये कुछ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऐसे जा रहा, वही हो गया दूसरा। तो इसमें क्या है, पी वन, वी वन और टी वन, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। और जो फाइनल है इसमें है पी टू, वी टू और टी टू, ये अपने को गिवन है। इस स्टेट पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, और इस स्टेट पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ये वी वन, ये अपना वी टू, ये अपना पी वन और पी टू, और ये आ गया अपना पी वन। तो ये अपने को क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है, पी वन वी वन और पी टू वी टू। अब क्या बोल रहा है, पहला पार्ट ए पार्ट, ए पार्ट क्या हो रहा है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। तो ये वर्क डन फाइंड करो व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। अब अपने को पता है कि इस केस में क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे है, यहाँ पे क्या गिवन है अपने को, ये भी बात गिवन है कि पी वी की पावर 1/2 इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये अपने को पहले से गिवन है, दैट इज पी वन वी वन की पावर 1/2 इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर 1/2। ये यही बात होती है कि कॉन्स्टेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अपना इज इक्वल ना, तो जो अपना प्रेशर हो जाएगा दैट विल बी के बाय वी की पावर 1/2, ठीक है। तो वर्क डन इन सॉरी इधर पे लिख लेते हैं, ओके। सो वर्क डन इन प्रोसेस फ्रॉम 1 टू 2 क्या हो जाएगा, अपना वर्क डन का फॉर्मूला पता है हमको,
दैट इज वर्क डन क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, और अपना जो वॉल्यूम कहां से कहां तक जा रहा है दैट इज फ्रॉम वी वन टू वी टू, है ना, क्योंकि स्टेट वन पे अपना वॉल्यूम वी वन है और स्टेट टू पे वॉल्यूम वी टू है, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क डन कैलकुलेट करना, दैट इज पी, पी क्या हम लोगों ने अभी अभी क्या था अपना पी, दैट इज के बाय वी टू द पावर ऑफ वन बाय टू, तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे प्रेशर अपना के बाय वन बाय टू, ठीक है, और यहाँ पे डीवी आएगा, तो डीवी का जैसे रहा वैसा, इंटीग्रेशन इज वी वन से वी टू, तो अपनी वर्क डन की इक्वेशन आ गई। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो याद आएगा के बाहर, क्योंकि के है कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा v to the power of minus 1 by 2 dv करेंगे v1 से v2, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v2, और यहाँ पे बारी आ जाएगी इंटीग्रेशन की, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे v to the power of minus 1 by 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा v to the power of 1 by 2, क्योंकि इसमें पावर 1 की ऐड होती है और अपॉन में आ जाएगा 1 by 2, तो अपने आ गया इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, वेल लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है, वर्क डन विल बी ट्वाइस ऑफ के अंडर रूट ऑफ वी टू माइनस अंडर रूट ऑफ वी वन, तो जो अपना वर्क डन है फ्रॉम वी वन टू वी टू कितना हो गया, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू टू पी वन वी वन की पावर वन बाय टू, ये की वैल्यू हम लोग पुट करें सिंपल, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, ये आ गया अपना वर्क डन, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना ट्वाइस ऑफ पी टू वी टू की पावर वन बाय टू, ब्रैकेट में आ जाएगा वी टू माइनस ऑफ वी वन, तो ये अपनी वर्क डन आ गई दिस। तो वर्क डन के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो अपना फॉर्मूला था इंटीग्रेशन वाला वो पुट किया, तो अपना इंटीग्रेशन क्या था पी डॉट डीवी, और पी प्रेशर हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया था पीछे पे, दैट वॉज के बाय वी टू दी, तो हम लोग ने कुछ नहीं बेसिक इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो अपना वर्क डन आया दैट इज टू के रूट ऑफ वी टू माइनस वी वन, और जो के था के की वैल्यू हमने रिपुट कर दी, तो के की अपने पास दो वैल्यूज थी, वो दो वैल्यूज क्या थी पी वन वी वन की पावर वन बाय टू और पी टू वी टू की पावर वन बाय टू, दो वैल्यू थी, हम लोग ने दोनों एक एक बार पुट करा, तो वर्क डन हमारे पास दो डिफरेंट टर्म में आ गया, ठीक है, तो यही अपना जो 23 का ए वाला पार्ट है, इसका आंसर ये हो जाएगा, That is, then is this. ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ने लॉन्ग आंसर स्टार्ट कर दिया और शॉर्ट आंसर फिनिश कर दिया, और जो क्वेश्चन नंबर 20 थी उसका भी पार्ट ए कम्प्लीट हो गया, तो आज का लेक्चर यही तक रखता है। आज हम लोग ने काफी फॉर्मुलेस देखे और काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड हैव अ गुड डे।